नमस्कार साथियों, ट्रिपल पी आई एस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भारत से शुरुआत करेंगे। इससे पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री का जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर रहे हैं उनको हम कवर कर चुके हैं। जिन लोगों ने भी हमारे उन पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी गई, आप वहाँ जाकर उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। साथ ही जिन टॉपिक्स को कवर किया जा रहा है उनकी PDF यदि आपको चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम चैनल पर आप जाएं और वहां पर टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां पर जाकर आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो जहां से हमने मल्टीपल टाइम्स प्री क्वालिफाई किया है उन्हीं सोर्सेस को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो आप इनको ध्यानपूर्वक सुने और यकीन मान के चलिए कि आप लोग भी यदि ध्यान से कर लेंगे मेरी तरह आप भी प्री को क्वालिफाई इजिली कर जाएंगे। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने वाली है। साथ ही यदि जो सेशन ये चल रहे हैं यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। हम शुरू करेंगे आज मध्यकालीन भारत में अरब आक्रमण के साथ, जो अरब इन्वेडर्स रहे थे उसकी शुरुआत। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक नाम आप याद रखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम यह नाम है और इसके नेतृत्व में अरबों का जो आक्रमण हुआ था वो 712 ईस्वी में हुआ था। पहली बात, जब यह अरब का आक्रमण हो रहा था इस समय सिंध पर शासन कर रहा था उसका शासक का नाम था दाहिर, और सिंध विजित कर दाहिर ने पहली बार भारत में जजिया कर लगाया था। पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाने वाला जो शासक था वो कौन था, तो आप बताएंगे कि वो दाहिर था। और कहाँ का था? सिंध पर शासन कर रहा था दाहिर, वो था उसने सबसे पहले भारत में जजिया कर लगाया। जजिया कर क्या होता है आपको मैं यही बता दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जजिया कर क्या है। तो जजिया कर क्या था, यह गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था उनके जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए, सैनिक कार्रवाइयों से छूट के बदले में उन पर लगाया जाता था। इससे महिलाओं को बच्चों को गरीबों को और ब्राह्मणों को छूट दी जाती थी, लेकिन कई शासक हुए जिनने ब्राह्मणों के ऊपर भी जजिया कर लगाया, बाद में आगे आएंगे डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो एक ये चचनामा नाम की पुस्तक है, अरबी की है, किसी अज्ञात लेखक के द्वारा इसका लेखन किया गया है। इसमें अरबी आक्रमण जो ये 712 में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हो रहा है इसकी जानकारी यहाँ से मिलती है। आगे देखेंगे हम तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण अफगानिस्तान के गजनी में अलप्तगीन ने पहला तुर्की राज्य स्थापित किया था, यह आप नाम याद रखेंगे अलप्तगीन। इस अलप्तगीन के द्वारा भारत के बाहर यानी कि अफगानिस्तान में पहला तुर्की राज्य स्थापित किया था। 977 ईस्वी में सुबुक्तगीन जो अलप्तगीन का दास और दामाद था गजनी की गद्दी पर बैठा। यह गजनी कहाँ पर है, यह भी अफगानिस्तान में है। 998 ईस्वी में सुबुक्तगीन की मृत्यु के पश्चात उसका बेटा महमूद गजनवी शासक बन जाता है। यहाँ से भारत से संदर्भित इतिहास शुरू हो जाएगा 998। बैकग्राउंड इसलिए बताना था कि यह एकदम से आ जाए कि महमूद गजनवी है कहाँ से और इसका पिछला कोई बैकग्राउंड पूछ लिया जाए, तो इसके लिए आपको ये लिंक जरूरी थी। तो 998 ईस्वी में सुबुक्तगीन की मृत्यु के पश्चात महमूद गजनवी जो कि इसका बेटा था गद्दी पर बैठता, और महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि पाने वाला पहला शासक था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला यह महमूद गजनवी पहला शासक था। महमूद गजनवी बगदाद के खलीफा ने महमूद गजनवी को, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर देखेंगे हम, ऐसी माना जाता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और यह आक्रमण सन 1000 से 1027 ईस्वी के बीच में किया था। इसीलिए महमूद गजनवी को लुटेरा और मूर्ति भंजक के रूप में जाना जाता है। कब कब आक्रमण हुए, 2-3 आक्रमण इसके बड़े उल्लेखनीय रहे हैं, जिसमें 1012 ईस्वी का थानेश्वर का है, 1018 का मथुरा का है और 1026 का सोमनाथ पर आक्रमण हुआ है। यह इसका इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जानने वाली बात आपको यह रही कि महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया, टाइम पीरियड आप याद रखेंगे। महमूद गजनवी की जो उपाधि है लुटेरा और मूर्ति भंजक की है, 1012 में थानेश्वर, 1018 में मथुरा, 1026 में सोमनाथ। 1026 में जब ये सोमनाथ पर आक्रमण किया है, 1026 ईस्वी में जब सोमनाथ पर आक्रमण किया है तो उस समय सोमनाथ का जो गुजरात का शासक था वो था भीम प्रथम। यह नाम याद रखेंगे, रटना है आपको एकदम कि भीम प्रथम था जब महमूद गजनवी ने गुजरात पर आक्रमण किया है यानी सोमनाथ पर।
इस सोमनाथ की लूट के बाद यहां से जो धन लूटा गया था वो इतना अधिक था कि इसने अपनी प्रजा से 3 वर्षों तक कोई कर नहीं लिया। यह बात स्टेटमेंट में कहीं में पूछी जा सकती है, यह बात आप यहाँ पर याद रखेंगे। महमूद गजनबी का भारत पर जो अंतिम आक्रमण था वो 1027 में था और वो जाटों के विरुद्ध था, यह बात आप याद रखेंगे। महमूद गजनबी के दरबार में अलबरूनी, उत्बी, फिरदौसी, बेहाकी जैसे विद्वान उपस्थित थे। अलबरूनी, उत्बी, फिरदौसी, बेहाकी ये जो विद्वान हैं, ये वो विद्वान महमूद गजनबी के दरबार में उपस्थित थे। यह जो अलबरूनी है यह महमूद गजनी के साथ भारत आया था। महमूद गजनी के साथ भारत आया था। इसने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में तत्कालीन भारत का विस्तृत वर्णन किया है। यहाँ तक आपको महमूद गजनबी से संबंधित जो बातें थी, वो फैक्ट जो जानने चाहिए थे, वो हो चुके हैं कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ेंगे, मोहम्मद गौरी के संदर्भ में पढ़ेंगे। यस, संसवनी वंश का एक शासक है मोहम्मद गौरी। अफगानिस्तान के गौर का निवासी था और संसवनी वंश का था। भारत पर इसने पहला आक्रमण किया है 1175 में। आप याद रखेंगे कि यह गौरी का जो पीरियड है यह गजनबी के बाद आता है। महमूद गजनबी पहले आता है, महमूद गजनबी लिखा हो या महमूद गजनी, उसके बाद आता है गौरी का। तो गौरी संसवनी वंश आप याद रखेंगे, अफगानिस्तान के गौर का है इसलिए इसे गौरी बोला जा रहा है और भारत पर पहला आक्रमण कर रहा है 1175 में। जबकि गौरी का महमूद गजनी का जो अंतिम आक्रमण है वो 1027 ईस्वी में है जाटों के विरुद्ध। गौरी ने 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया है और वहां के शासक मूलराज द्वितीय के द्वारा पराजित हो गया। यह बात आप यहां पे इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे कि महमूद गजनबी ने जब 1026 में सोमनाथ पर आक्रमण किया था तो वहां पर शासक था भीम, जबकि जब 1178 में मोहम्मद गौरी गुजरात पर आक्रमण कर रहा है तो यहाँ पर जो शासक है वो है मूलराज द्वितीय। यह बात आप यहाँ पर याद रखेंगे। साथ ही यह याद रखेंगे कि यह इस मूलराज द्वितीय के द्वारा मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया गया है। मोहम्मद गौरी को मूलराज द्वितीय के द्वारा पराजित कर दिया गया है। आगे मोहम्मद गौरी ने तराइन में युद्ध लड़ा। तराइन में 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध होता है। यहाँ भी गौरी पराजित होता है 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में। फिर तराइन का दूसरा युद्ध आता है 1192 ईस्वी में, इसमें पृथ्वीराज चौहान को गौरी के द्वारा पराजित कर दिया जाता है। यहाँ पर गौरी विजयी होता है। उसके बाद सीर चंदावर का जो युद्ध आता है 1194 ईस्वी का है, 94 सीर चंदावर। गढ़वाल शासक थे जयचंद। 94 से आप याद रखें, 94 में चा और सा जैसा एक प्रोनंसिएशन आ रहा है, इसमें 94 में चंदावर जयचंद के साथ जो गढ़वाल के शासक थे गौरी का युद्ध होता है और यहाँ पर जयचंद पराजित हो जाते हैं। मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है 1206 ईस्वी में और गौरी का कोई पुत्र नहीं होने के कारण इसने अपने विजित प्रदेशों को अपने दासों को प्रशासक नियुक्त कर दिया था। अब इसने कहाँ कहाँ किन किन प्रशासकों को नियुक्त किया था इन्हें हम अगले पेज पर देखेंगे। यहाँ पर आपको इतनी बात याद रखनी है, ये चार इस क्रोनोलॉजी में भी कई बार पूछे जाते हैं। पहला, गुजरात पर जब अटैक किया 1178 में तो मूलराज द्वितीय के द्वारा पराजित कर दिया गया मोहम्मद गौरी को। 1191 में तराइन पर आक्रमण किया तो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा इसे पराजित किया गया। 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। वहीं 1194 में मोहम्मद गौरी ने गढ़वाल शासक जयचंद को पराजित कर दिया। 1206 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1206 में जब इसकी मृत्यु होती है तो उसके बाद इसने अपने जो विजित प्रदेश थे उनको अपने गुलामों में विभाजित कर दिया था। तो गुलाम ताजुद्दीन यल्दोज को इसने गजनी का प्रदेश दिया था। नासिरुद्दीन कोवाचा जो था इसे इसने मुल्तान का प्रदेश दिया था, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इसे इसने भारतीय प्रदेशों पर शासन करने का अधिकार दिया था। गौरी की मृत्यु के बाद इन सभी ने स्वतंत्र रूप से व्यवहार करना शुरू कर दिया और इन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं ली, सुल्तान की उपाधि इन्होंने धारण नहीं की थी। जो ये गुलाम थे 3, यल्दोज, कोवाचा और ऐबक, ये पूछा जा सकता है कि गौरी ने अपनी मृत्यु के बाद किन किन गुलामों को शासन करने के लिए अधिकार प्रदान किया था। तो इसमें है ताजुद्दीन यल्दोज, नासिरुद्दीन कोवाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक को आपको ज्यादा विशेष रूप से याद रखना है क्योंकि इसने भारतीय प्रदेशों पर अधिकार लिया था। मोहम्मद गौरी के सिक्के पहले ऐसे सिक्के थे जिन पर एक और कलमा और दूसरी तरफ लक्ष्मी की मूर्ति अंकित थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। मोहम्मद गौरी जो बहुत ही आरंभिक मुस्लिम शासक है उसके सिक्कों पर कलमा और दूसरी तरफ लक्ष्मी की मूर्ति देखने को मिलती है। एक बात आप याद रखेंगे कि भारत में जो सूफी मत है इसको प्रचार प्रसार करने में जो सबसे ज्यादा भूमिका मानी जाती है वो मोइनुद्दीन चिश्ती की मानी जाती है। ये मोइनुद्दीन चिश्ती
गौरी यानी मोहम्मद गौरी की सेना के साथ अजमेर से आए थे, अजमेर आए थे। मोहम्मद गौरी के साथ प्रसिद्ध सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे, जिन्होंने भारत में अपना निवास अजमेर को बनाया था, या कहेंगे अपना कार्यक्षेत्र इन्होंने अजमेर को बनाया था। दिल्ली के संदर्भ में, दिल्ली में शासक करने वाले और दिल्ली में कुछ स्थानों की स्थापना जिनके द्वारा की गई है उनके संबंध में एक डिटेल दी गई है। इंद्रप्रस्थ शहर जो दिल्ली में है, इसकी स्थापना पांडवों ने की थी महाभारत काल में। लाल कोट की स्थापना अनंगपाल तोमर के द्वारा की गई थी। किला राय पिथौरा पृथ्वीराज चौहान, जिनका मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध हुआ है, उन्होंने की थी। सीरी अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित की थी। तुगलकाबाद को गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, जहां पनाह को मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, फिरोजाबाद को फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, शेरगढ़ शेर शाह सूरी के द्वारा स्थापित किया गया। दीन पनाह हुमायूं के द्वारा स्थापित किया गया, जबकि शाहजहानाबाद शाहजहानाबाद अकबर ने जिस प्रकार से फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी, उसको डेवलप किया था, उसी से प्रेरित होते हुए शाहजहां ने दिल्ली में शाहजहानाबाद को डेवलप किया था। दीन पनाह में ही शेरशाह सूरी ने पुराना किला का निर्माण करवाया था। दीन पनाह किसने बनवाया था, ये आप देख चुके हो यहाँ पर, हुमायूं के द्वारा जो निर्मित था दीन पनाह, उसी में शेरशाह सूरी के द्वारा पुराने किले का निर्माण कराया गया था। यह जो टेबल है इसको आप याद कर लेंगे, मैच ऑफ द फॉलोइंग में भी कई बार आती है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बने हुए हैं, जैसे पूछा जाता है लाल कोट किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो आप बताएंगे तोमर शासक अनंगपाल तोमर के द्वारा बनाया गया था। अब हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की स्थापना और उसके आगे किस कौन कौन वंश रहे हैं उनके संबंध में देखेंगे। यहाँ पर है गुलाम या ममलूक वंश, इनको गुलाम या ममलूक कहने का तात्पर्य यह है कि जो शासक यहाँ पर आए हैं उन शासकों ने या तो वो स्वयं या उनके पूर्वज कभी गुलाम रहे हैं, लेकिन बाद में उनको गुलामी से मुक्त कर दिया गया है, इस वजह से इनको ममलूक या गुलाम वंश कहा जा रहा है। तो भारत में जो तुर्की राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया था, लेकिन आप याद रखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को राजधानी न बनाकर लाहौर को अपनी राजधानी बनाए रखा था, वो भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक है, याद रखेंगे इसको। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, जिसे भारतीय प्रदेशों में शासन करने का अधिकार प्रदान किया गया था मोहम्मद गौरी के द्वारा अपनी मृत्यु के बाद, इतनी बात आप याद रखेंगे। इसके आगे हम देखेंगे कि आरंभिक शासक खिलजी वंश के पूर्व या तो गुलाम थे, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति रहा है बख्तियार खिलजी, इसका बड़ा ही नाम रहता है। बिहार और बंगाल को विजित किया और प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। तो यह बख्तियार खिलजी का जो नाम आता है यह नालंदा विश्वविद्यालय के को विकृत करने के रूप में आता है। यह नकारात्मक कार्य थे, धरोहरों को नुकसान पहुंचाया गया इन लोगों के द्वारा, जिसमें बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने का कार्य किया गया। बदायूं, ग्वालियर, मालवा आदि क्षेत्रों में ऐबक ने खुद जीते थे। तो बदायूं, ग्वालियर और मालवा का जो क्षेत्र था ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्वयं जीता गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद तथा दिल्ली में कुबतुल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है 2.5 दिन का झोपड़ा, दो क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है, 2.5 दिन का झोपड़ा है क्या, मस्जिद है, कहाँ पर है, अजमेर में है, किसने बनवाई, ऐबक ने। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद यह कहाँ पर है, दिल्ली में है, किसने बनवाई है, तो ऐबक ने बनवाई है, इतना फैक्ट आप याद रखें। यह जो मध्यकालीन भारत का दिल्ली सल्तनत हम देख रहे हैं, मेंस में इसके क्वेश्चन बहुत कम, ना के बराबर अभी तक तो मैंने देखे नहीं है, साथ ही प्री में इसके क्वेश्चन की संभावना काफी ज्यादा रहती है, इस वजह से हम बहुत ही फैक्चुअल ढंग से ही इसको कवर करेंगे। और मैं आपके साथ जो सोर्स डिस्कस कर रहा हूँ इससे हमने मल्टीपल टाइम्स अभी तक पीटी को क्वालिफाई किया है, वही सोर्स आपके साथ है। ध्यानपूर्वक यदि सुनेंगे और इसको याद करेंगे तो आप भी जो टॉपिक कवर किए जा रहे हैं वहां से आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावना ना के बराबर हो जाएगी। भारत में तुर्की राज की स्थापना के प्रतीक या प्रसिद्ध सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य आरम्भ किया था, यह बात आप याद रखेंगे। तो यह आप याद रखेंगे कि दिल्ली में जो कुतुब मीनार की स्थापना है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य है, इसको कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरुआत किया गया था और किसकी याद में किया है, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये एक प्रसिद्ध सूफी संत है, इनकी याद में दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा तैयार किया गया है, साथ ही इसको इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया है। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े से गिरकर मौत हो जाती है।
ऐबक के बाद उसका उत्तराधिकारी बनता है आराम शाह, लेकिन केवल 8 माह के पश्चात बदायूं के सूबेदार और ऐबक के गुलाम इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या कर सल्तनत पर अधिकार कर लिया। तो यहां पर आप ये याद रखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी यद्यपि आराम शाह था, लेकिन जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सबसे ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त शासक हुआ है वो हुआ है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का नाम आप याद रखेंगे। इसका शासन रहा 1211 से 1236 ईस्वी में। यह ऐबक का गुलाम और दामाद ये दोनों था। साथ ही इसने जो मोस्ट इंपोर्टेंट काम किया है वो ये है कि इसने लाहौर जो राजधानी थी तत्कालीन समय में उसको हस्तांतरित करते हुए दिल्ली को राजधानी बनाया है। अब दिल्ली को देखो, 2 बार राजधानी बनाया जा चुका है। यहां पर लाहौर से स्थानांतरित हुई दिल्ली राजधानी बनी कब? 1211 में। 1211 में। इसी प्रकार से आप देख सकते हो कि 1912 में, 1912 में जो कलकत्ता राजधानी थी यहां से राजधानी हस्तांतरित होकर दिल्ली आई थी। दिल्ली कलकत्ता से दिल्ली राजधानी हस्तांतरित होकर आई थी औपनिवेशिक काल में। इस प्रकार से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, याद रख सकते हो। तराइन के 2 युद्ध आप देख चुके हो, 1191 1192। अब तीसरा युद्ध होता है तराइन का। यहाँ पर तराइन का तीसरा युद्ध 1215-16 में यल्दोज को पराजित किया। यल्दोज हम आपको बता ही चुके थे कि नासिर ये जो गुलाम था इसका, ताजुद्दीन यल्दोज, जो गजनी का शासक था, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने गजनी पर शासन करने का अधिकार प्रदान किया था, इसे तराइन की तृतीय युद्ध में इल्तुतमिश के द्वारा पराजित कर दिया गया। और अब दिल्ली सल्तनत गौर सल्तनत के सिद्धांत से पूरी तरह स्वतंत्र हो गई। यानी जो गजनी में शासन कर रहा था उसे पराजित कर दिया है तराइन के तृतीय युद्ध में। आगे देखेंगे हम इसके बाद जो इल्तुतमिश के और आक्रमण रहे हैं। इल्तुतमिश ने 1221 ईस्वी में कलिंजर, 1226 ईस्वी में रणथंबोर और 1227 में मंडोर आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों को विजित कर लिया है। 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से खिल्लत तथा सुल्तान आजम का खिताब प्राप्त किया है। यह बात इसलिए यहाँ पर याद रखनी है कि ये सुल्तान आजम और खिल्लत प्राप्त की है, तो ये दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसे वैधानिक सुल्तान का दर्जा प्राप्त था। पहला वैधानिक सुल्तान था क्योंकि इसने बगदाद के खलीफा से खिल्लत और सुल्तान आजम की खिताब प्राप्त किया था। यह बात कई बार पूछी गई है, स्टेटमेंट में पूछी जा सकती है। इल्तुतमिश ने अपने गुलाम सरदारों का एक दल बनाया था जिसे तुर्कान ए चहलगामी या चालीसा कहा जाता था। तुर्कान ए चहलगामी या चालीसा कहा जाता था, यह बनाया था इल्तुतमिश ने। 40 दल के सदस्य, प्रशासन के सभी महत्वपूर्ण पद प्रदान किए गए थे इन लोगों को। अरबी प्रणाली, एकता व्यवस्था, इल्तुतमिश के समय में ही एकता व्यवस्था की शुरुआत होती है। एकता व्यवस्था में क्या होता था कि जो साम्राज्य होता था उसे एकता यानी कि प्रांत में विभाजित कर दिया गया तथा एकता के प्रशासक को इक्तेदार या मुक्ता कहा जाता था। यह बात आप याद रखेंगे कि एकता प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। बहुत ध्यान से सुनना है आपको और इसको याद करना है। पीडीएफ टेलीग्राम पर अवेलेबल है, वहां से लेकर इसको याद कर लेना है। इक्तेदार अपनी एकता से राजस्व संग्रह करता और अपने सैनिक और प्रशासकीय व्यय काटकर शेष राशि फवाजिल सुल्तान को भेज देता था। साथ ही आप देखेंगे कि दिल्ली में शाही टकसालों की स्थापना हुई है इल्तुतमिश के समय। यहाँ पर सिक्कों की ढलाई होती थी। यहाँ पर टंका और जीतल मुद्रा प्रचलित थी। टंका और जीतल, इनके नाम पूछे जा सकते हैं। इल्तुतमिश के समय प्रचलित रहे टंका और जीतल क्या है? तो ये मुद्राएं हैं। 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती। इसकी मृत्यु के बाद फिर से जो अधिकार को लेकर युद्ध है वो फिर से शुरू हो जाता है कि शासन कौन करेगा। इल्तुतमिश ने मृत्यु के पश्चात तुर्की अमीरों ने उसके पुत्र रुकनुद्दीन को गद्दी पर बैठाया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इल्तुतमिश का तुरंत उत्तराधिकारी यानी इल्तुतमिश के तुरंत बाद कौन गद्दी पर बैठा? तो आप नाम याद रखेंगे, रुकनुद्दीन फिरोज बैठा था। लेकिन दिल्ली की प्रजा ने के सहयोग से इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सिंहासन पर विराजमान हो जाती है और यह इस समय की एक ऐतिहासिक घटना है। तो आप याद रखेंगे 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद यद्यपि रुकनुद्दीन शासक बनता है, लेकिन दिल्ली की प्रजा के सहयोग से उसकी पुत्री रजिया सिंहासन पर अपना अधिकार स्थापित कर लेती है। रजिया का कार्यकाल आप याद रखेंगे 36 से 40 का है और यह दुनिया में पहली महिला सुल्तान थी और मध्यकालीन भारत में पहली महिला शासिका। दरबार में पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों के समान वस्त्र यानी कुबा और कुलाह पहनती थी। कुबा और कुलाह क्या है? ये वस्त्र है, इनको पहनती थी। और यहाँ पर वही
पुरुष मानसिकता यहाँ पर हावी हो गई। तुर्की सरदारों को एक महिला के समक्ष झुकने तथा एक अबिसिनियाई हफ्सी याकूत के प्रति रजिया के प्रेम का रजिया का विशेष लगाव देखकर इन लोगों ने इसके विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अल्तुनिया के नेतृत्व में, यह बात आप याद रखेंगे, पहला विद्रोह रजिया के विरुद्ध किया है अल्तुनिया ने। रजिया ने अल्तुनिया से निकाह कर लिया, विद्रोह दबाने का प्रयास किया। जैसा कि प्राचीन भारत, प्राचीन जो इतिहास है इसमें भी कई बार विवाह संबंध बनाए जाने के साथ, जैसे जो जनपद काल है, महाजनपद का काल है, मगध साम्राज्य को मजबूत करने के लिए बिम्बिसार विवाह कर रहे हैं, कौशल के राजा से संबंध बढ़ाने के लिए विवाह संबंध बनाए गए, उसी प्रकार से यहाँ पर रजिया ने यह स्टेप लिया है। 1240 में कैथल के समीप डाकुओं ने उसकी हत्या कर दी। रजिया के पश्चात तुर्की सरदारों ने बहराम शाह 1240-42, अलाउद्दीन मसूद शाह 42-46, नासिरुद्दीन महमूद 46-65 को सुल्तान बनाया। अब नासिरुद्दीन महमूद का शासनकाल देखेंगे जो लंबा रहा है 46-65 का। नासिरुद्दीन महमूद के समय ही एक पुस्तक लिखी गई है, तबकाते नासरी, इसके लेखक हैं मिनहाज इसराज, इन्होंने तबकाते नासरी लिखा है तो आप इसे याद रखेंगे। 1249 ईस्वी में इल्तुतमिश के गुलाम बलबन ने अपनी पुत्री का निकाह सुल्तान से कर दिया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, यह वाला फैक्ट आप याद रखेंगे, मिनहाज इसराज के द्वारा लिखी गई पुस्तक तबकाते नासरी है, जो किसके ऊपर है, कौन सा शासक के संबंधित वर्णन है इसमें, तो नासिरुद्दीन महमूद के संबंध में। सुल्तान ने किसे बलवन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी तथा नायब ए मामलिकात का पद दिया था। नायब ए मामलिकात का पद दिया और उलूग खां की उपाधि दी थी। किसने? नासिरुद्दीन महमूद ने। नासिरुद्दीन महमूद का शासन हम आपको बता ही चुके हैं कि 1246 से इसका शासन रहता है 1265 तक। अब आगे देखेंगे, सुल्तान बलवन जी उपाधि में दे दी नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा। 1265 में जब सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु होती है तो बलवन ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। अब गयासुद्दीन बलवन, इसका शासनकाल शुरू होता है 1266 से 1286 तक। सुल्तान बनने के बाद बलवन ने सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या किया कि इसने जो तुर्कान चहलगामी या चालीसा समाप्त कर दिया। यह किसने स्थापित किया था? इल्तुतमिश के द्वारा जो तुर्कान चहलगामी का निर्माण किया गया था इसको गयासुद्दीन बलवन ने समाप्त कर दिया और इससे तुर्की अमीरों की शक्ति तोड़ दी। इस तरह वह सुल्तान के महत्व व भूमिका को महत्वपूर्ण बना दिया, यानी सुल्तान सर्वोच्च पदधारी हो गया। अब उसे सलाह देने वाले, जिस प्रकार से तुर्की अमीरों का हस्तक्षेप शासन में रहता था, उस हस्तक्षेप को उसने समाप्त कर दिया। बलवन ने सुल्तान को जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही तथा नियामत ए खुदाई माना है। यह बात आप याद रखेंगे, कई बार पूछा जाता है कि किस शासक दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सुल्तान को जिल्ले अल्लाह, जिल्ले इलाही या नियामत ए खुदाई के रूप में माना है, तो आप बताएंगे कि वो था बलवन। इसकी लोह एवं रक्त की नीति अपनाने वाला शासक भी बलवन था। केवल उच्च नस्ल के लोगों को ही प्रशासन में पद देना तथा कठोर दंड नीति का अनुपालन करना, यह नीति थी लोह एवं रक्त की नीति। दीवाने अर्ज नाम से एक विभाग बनाया था, याद रखेंगे दीवाने अर्ज, और भी आगे आएंगे हम एक लिस्ट में इसको आपको बता देंगे, लेकिन अभी से आप इसको याद करते चलें कि दीवाने अर्ज के नाम से एक सैन्य विभाग है, इसका गठन बलवन ने किया था। सुल्तान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए सिजदा और पावोश की प्रथा आरंभ की थी। इस सिजदा और पावोश की प्रथा को मुगल काल में शाहजहां के द्वारा समाप्त किया गया है। यह यहां से शुरू हो रही है, गयासुद्दीन बलवन के समय से मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा इसको समाप्त किया गया है। गयासुद्दीन बलवन ने ईरानी त्योहार हुआ करता था नौरोज, उसे मनाने की शुरुआत की थी दिल्ली सल्तनत के अंदर। देखो एक नया विभाग बना, नया एक पद बनाया इसने, दरबारी शिष्टाचार को बनाए रखने के लिए अमीर हाजिम बारबक का पद बनाया। अभी इससे पहले हमने देखा था दीवान ए अर्ज, यह एक इसने सैन्य विभाग बनाया था। सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज किसने? बलवन ने। सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज बनाया बलवन ने। उसी प्रकार से अमीर हाजिम बारबक का एक पद बनाया दरबारी शिष्टाचार को बनाए रखने के लिए। अमीर हसन जो था इसे भारत का सादी कहा जाता था और अमीर खुसरो को भारत का तोता, ये दोनों बलवन के समकालीन है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे आप,
अमीर हसन को भारत का सादी, हसन है तो सादी है, खुसरो है तो तोता है। इन ये दोनों लोग बलबन के समकालीन थे। बलबन की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसका बेटा बुगरा खान बंगाल का इक्तेदार था, लेकिन वह सुल्तान बनना नहीं चाहता था। इसके बाद होता क्या है कि बलबन की मृत्यु के बाद इसका पौत्र जो होता है कैकुबाद, वह सुल्तान बनाया जाता है। कैकुबाद शीघ्र मृत्यु होने पर क्योमर्स को सुल्तान बनाया गया, परंतु थोड़े ही समय में आरिज़े मुमालिक के पद पर नियुक्त जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में क्योमर्स की हत्या कर गुलाम या ममलुक वंश का अंत कर दिया। अब आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे कि गुलाम वंश या ममलुक वंश में जो बलबन की मृत्यु होती है, गयासुद्दीन बलबन की, इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र कैकुबाद इसका उत्तराधिकारी बनता है। कैकुबाद की मृत्यु के बाद क्योमर्स आता है, लेकिन क्योमर्स को सुल्तान बनाए जाने पर इसके यहाँ जो आरिज ए मुमालिक के पद पर नियुक्त था जलालुद्दीन खिलजी, इसने 1290 में क्योमर्स की हत्या कर दी और इस वंश का समापन करके खिलजी वंश की स्थापना की नींव डाल दी। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। यह बात आप यहाँ पर याद रखेंगे। दिल्ली में जो शासनकाल रहा है, इसके संबंध में कुछ शासक रहे, जैसे तोमर वंश है, आरंभिक 12वीं शताब्दी से लेकर 1165 ईस्वी तक रहा। अनंगपाल तोमर का शासन 1130 से 65, चौहान वंश का पृथ्वीराज चौहान के साथ। गुलाम वंश, इसने 84 वर्ष तक शासन किया। इसके जो मुख्य शासक रहे हैं उनके नाम यहाँ पर हैं, लेकिन जिसका उत्तराधिकारी जो हुआ है वो डिटेल में आप डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर जरूर ध्यान देंगे, क्वेश्चन वहां से बनेंगे। आप सोचेंगे यही क्रोनोलॉजी है, जबकि यह क्रोनोलॉजी नहीं है, इनके बीच में भी शासक हैं। खिलजी वंश, इसने 30 वर्ष शासक किया है। यहाँ पर दो शासक मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखो यहाँ पर लास्ट है क्योमर्स इसका, गुलाम वंश का पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसी प्रकार से खिलजी वंश का पहला है जलालुद्दीन खिलजी, लास्ट है मुबारक शाह खिलजी। तुगलक वंश, इसने 94 वर्ष तक शासन किया, ये सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले शासक रहे हैं। यहाँ गयासुद्दीन तुगलक इनका पहला शासक था, लेकिन नासिरुद्दीन महमूद शाह इनका लास्ट शासक है। सैयद वंश, 1400 से 1551, 37 वर्ष तक शासन किया है। इसमें खिजर खान के द्वारा पहले शुरुआत की गई है, जबकि अलाउद्दीन आलम शाह इसका अंतिम शासक रहा है। लोधी वंश, 75 वर्ष तक शासन किया है। अफगान मूल के यही लोग थे, लोधी वंश जो है ये अफगान मूल के थे। लास्ट शासक इनका इब्राहिम लोधी रहा है। आगे देखते हैं हम अब इसको खिलजी वंश को, कैसे खिलजी वंश की स्थापना होती है, यह हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा से इसको रिपीट नहीं करेंगे, आप खुद पढ़ लेंगे इसको। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसकी आंतरिक नीति दूसरों को प्रसन्न करने की थी, यह पॉइंट याद रखना। जलालुद्दीन खिलजी ऐसी नीतियों का निर्माण करता था जिससे कि दूसरे लोग प्रसन्न रहे, जिसने अपने स्पष्ट विचार को आगे रखा कि राज्य शासित स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित होने चाहिए। यह एक प्रकार से आधुनिक शासन व्यवस्था की एक जो करेक्टरिस्टिक है उसके प्रकार जैसा लग रहा है कि जो राज्य है शासित स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित होने चाहिए। जैसे लोकतंत्र में जनता का समर्थन जरूरी है ना, उसी प्रकार से यह राज्य में शासित स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित होने की व्यवस्था यह जलालुद्दीन खिलजी करने के ऊपर शासन संचालित कर रहा है। यह आप यहाँ पर याद रखेंगे कि इसकी जलालुद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसकी आंतरिक नीति दूसरों को प्रसन्न करने की थी। आगे अकबर की भी ऐसी नीति देखने को मिलेगी आपको। जलालुद्दीन खिलजी का ही मानना था कि भारत में बड़ी संख्या में हिंदू लोग थे, इसलिए भारत का राज्य वास्तव में इस्लामी राज्य नहीं हो सकता। यह कई स्टेटमेंट में इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जलालुद्दीन खिलजी का मानना था कि भारत में राज्य वास्तव में इस्लामी राज्य नहीं हो सकता, इसका कारण क्या था? तो आपको यह कारण याद रखना होगा कि भारत में बड़ी संख्या में लोग हिंदू थे, इसलिए उसका ऐसा मानना था। मुसलमानों का दक्षिण भारत पर प्रथम आक्रमण जलालुद्दीन के समय ही देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर किया गया था, और यह जो आक्रमण रामचंद्र देव पर हो रहा है यह इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में किया गया है। जलालुद्दीन खिलजी के समय ही ईरानी फकीर थे एक सीधी मौला, इनको हाथी के पैरों की तरह कुचला गया था। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, पूछा जाता है कि ईरानी फकीर सीधी मौला को हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया गया था, किसके शासनकाल में? तो जलालुद्दीन खिलजी के। जुलाई 1296 में सुल्तान जलालुद्दीन का वध करके उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी कड़ा मानिकपुर में कर दिया था। इसका वध जो है, भतीजे ने इसका वध किया था कड़ा मानिकपुर में और स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी आता है 1296 से 1316, इम्पोर्टेंट शासक रहा है। इसने कई सारे सुधार कार्य भी किए हैं जिनको हम देखेंगे। इसने कड़ा मानिकपुर में ही स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया और राज्याभिषेक इसने दिल्ली में बलबन के लाल महल में करवाया था।
आप याद रखेंगे यहाँ पर लाल महल दिल्ली में बलबन का था, उसमें इसने अपना राज्याभिषेक करवाया था। जब यह अलाउद्दीन खिलजी सिंहासन पर बैठा उस समय इसने अबुल मुजफ्फर सुल्तान, इसने इतनी बड़ी उपाधि ली थी अपनी, अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दीनिया बाद दीन मोहम्मद शाह खिलजी की उपाधि धारण करके यह दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश का दूसरा शासक हुआ। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी का शासन शुरू होते ही दिल्ली सल्तनत में साम्राज्यवादी युग का सूत्रपात हो गया। इसने अधिराजत्व डोमिनियन में विश्वास करता था और प्रभुसत्ता में नहीं करता था। यह पॉइंट आप याद रखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी अधिराजत्व डोमिनियन में विश्वास करता था न कि प्रभुसत्ता में। दक्षिण भारत के प्रदेशों में साम्राज्य विलीन किए बिना ही साम्राज्य का विस्तार किया और दक्षिण में अप्रत्यक्ष नीति अपनाई। यह देखो ये यहाँ पर स्टेटमेंट में आपसे लिखा हुआ हो सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में प्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति अपनाई, जबकि ऐसा नहीं है। दक्षिण भारत के प्रदेशों को साम्राज्य में विलीन किए बिना ही साम्राज्य का विस्तार किया तथा दक्षिण में अप्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति अपनाई। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था जिसने दक्षिण भारत को जीता। हम आपको बता ही चुके हैं कि यह जलालुद्दीन खिलजी के समय इसने ऐसा किया था। इसने यह बात आप याद रखेंगे कि सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण करने वाला अलाउद्दीन खिलजी है। अपने सिक्कों पर उसने इस चीज को सिकंदर द्वितीय अंकित करवाया है। पांड्य राजाओं ने अलाउद्दीन को कभी अधिपत्य स्वीकार नहीं किया और ना ही कोई कर दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यह याद रखेंगे कि जो पांड्य राजा हैं दक्षिण के, उन्होंने कभी भी अलाउद्दीन का अधिपत्य स्वीकार नहीं किया और ना ही कोई कर दिया। धन की दृष्टि से देखें तो पांड्य राज्य पर किया गया आक्रमण मलिक काफूर का सबसे सफल रहा है। मलिक काफूर इसका एक सेनापति रहा है। धन की दृष्टि से पांड्य राज्य पर किया गया आक्रमण उसका सबसे सफल रहा है। और अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि दी थी और राज्य वापस कर दिया था। यह बात आप याद रखें क्योंकि ये जस्ट अपोजिट जैसा लग रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी युद्ध कर रहा है, साम्राज्य विस्तार कर रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर वो क्या कर रहा है, देवगिरी के शासक रामचंद्र को राय रायन की उपाधि भी दे रहा है और उसके राज्य को वापस भी कर रहा है। यह सेम सिकंदर ने ऐसा किया था पोरस के राजा के साथ और यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी कर रहा है रामचंद्र देव राय रायन के साथ। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की और उसने अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया। यह बात आप याद रखेंगे। मंगोल आक्रमण की सुरक्षा के लिए उसने 1304 ईस्वी में सीरी को अपनी राजधानी बनाया। अब सीरी की स्थापना किसने की थी, कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएंगे, क्योंकि हम ऊपर बता चुके हैं कि सीरी की स्थापना दिल्ली में किसने की थी। यह बात आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मलिक काफूर के संबंध में यदि कोई सेपरेट क्वेश्चन आ जाए तो उसके संबंध में भी थोड़ी सी डिटेल जान लेंगे आप कि मलिक काफूर मैंने बताया उसका सेनानायक था। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था इसको। मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने 1000 स्वर्ण दिनारों में प्राप्त किया था, इसीलिए इसे हजार दिनारी भी कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने राजनीति को धर्म से, ये इतनी बात मलिक काफूर के संबंध में है, आप इसको ध्यान रखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने राजनीति को धर्म से कभी प्रभावित नहीं होने दिया, यानी इसने धर्म निरपेक्ष राज चलाने का प्रयास किया है। खलीफा की सत्ता को मान्यता दी है लेकिन प्रशासन में उसके हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया है। अलाउद्दीन खिलजी ने यामीन उल खिलाफत नासरी अमीर उल मुमनिन खलीफा के नायब की उपाधि धारण की थी। इतनी बड़ी ये वाली ना याद करके अब ये याद रखेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के नायब की उपाधि धारण की थी। निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था, ऊपर ही हमने आपको बताया था। योग्यता के आधार पर पदों का वितरण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया गया था। अलाउद्दीन ने केंद्र में एक बड़ी और स्थायी सेना रखी, उसे नगद वेतन दिया। सेना के संबंध में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अलाउद्दीन ने अपने शासन में बड़ी और स्थायी सेना रखी, नगद वेतन दिया, ऐसा करने वाला यह दिल्ली का पहला सुल्तान था, इस वजह से यह बात इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन ने राशनिंग व्यवस्था भी लागू की। राशनिंग लिमिटेशन लगा दी जाती है कि आप इतना ही स्टोर कर सकते हो, एक बार में इतनी ही वस्तु खरीद सकते हो, इस प्रकार की राशनिंग। बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी, इसी में यह राशनिंग व्यवस्था भी लागू की गई। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण पद्धति के बारे में विस्तृत जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है, बर्नी की एक पुस्तक है तारीख फिरोजशाही। दो बातें आपको यहाँ मिल गई, तारीख फिरोजशाही का राइटर है बर्नी, और बर्नी की तारीख फिरोजशाही में ही अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण पद्धति की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक सुधारों की आवश्यकता महसूस की क्योंकि, मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टेटमेंट में लिखा हुआ मिल सकता है आपको कि आर्थिक सुधारों की
क्यों किए? अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक सुधार क्यों किए, इसकी आवश्यकता क्या थी? क्योंकि वह अपने साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए एवं निरंतर हो रहे मंगोल आक्रमणों के कारण एक विशाल सेना की आवश्यकता थी, इसलिए उसने यह आर्थिक सुधारों को करने का प्रण लिया। जिस प्रकार से दीवाने अर्ज सैन्य विभाग स्थापित किया गया था, उसी प्रकार से दीवाने रियासत नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। यह व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण रखता था। आर्थिक मामलों की देखरेख करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने रियासत नाम से एक नए विभाग की स्थापना करी है। अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ गुप्तचर पद्धति भी थी और उस गुप्तचर पद्धति में थी बरीदे मुमालिक इस विभाग का मुख्य अधिकारी था। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि बरीदे मुमालिक सल्तनत काल में एक अधिकारी था, किससे संबंधित था? तो आप आंसर कर देंगे कि गुप्तचर पद्धति से संबंधित था, अलाउद्दीन खिलजी के समय का था। खालसा तथा रक्षित प्रदेशों का शासन केंद्र द्वारा किया जाता था, जिसका शासक अमीर एवं सेना संभालते थे। अब खालसा भूमि और रक्षित प्रदेश ये कौन थे? ये कैसी भूमि थी जहां पर प्रत्यक्ष नियंत्रण शासन का होता था, केंद्रीय नियंत्रण होता था? इस जो भूमि होती थी इसको संभालने के लिए जिन अधिकारियों का को नियुक्त किया गया था उन्हें अमीर और सेना के नाम से जाना जाता था। अलाउद्दीन ने बिश्वा को पैमाइश की मानक इकाई निर्धारित किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखेंगे, बिश्वा को पैमाइश की इकाई रखा था। प्रति बिश्वा उपज के आधे भाग को राज्य के हिस्से या लगान के रूप में लिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने ग्राम के मुखियों, मुकदमों, जमींदारों और साधारण किसानों, बलाहारों से संबंधित आदेश जारी कर खूतों एवं मुकदमों के विशेषाधिकार वापस ले लिए। यह बात आप याद रखेंगे यहाँ पर कि मुकदमों और खूतों के अधिकार वापस ले लिए और साधारण किसानों के साथ इसने जो न्याय हो सकता था उसे करने का प्रयास यहाँ पर किया है। अलाउद्दीन भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया। यह बात आप याद रखेंगे कि भूमि की वास्तविक आय कितनी है उस पर उसने कर लेने का प्रयास किया। नगद और अनाज दोनों ही रूपों में जो राजस्व था उसे वसूल किया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने कर व्यवस्था में और सुधार करते हुए दो नवीन कर लगाए हैं, मकान कर और चराई कर। मकान कर और चराई कर। खराज हिंदू जमींदारों से एकत्रित भूमि कर था। दिल्ली सल्तनत काल में खराज भी लगाया जाता था। जजिया हम आपको ऊपर बता चुके हैं, खराज यह है कि हिंदू जमींदारों से एकत्रित किया जाने वाला कर था खराज। अलाउद्दीन ने बाजार व्यवस्था से संबंधित परवाना नवीस की नियुक्ति की थी। अब पूछा जा सकता है परवाना नवीस किससे संबंधित है, तो परमिट देने वाला अधिकारी था परवाना नवीस। बाजार व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से इसकी नियुक्ति की गई थी। बकाया लगानों को वसूलने के लिए अलाउद्दीन ने दीवाने मुश्तक राज विभाग की स्थापना की। दूसरा विभाग अलाउद्दीन खिलजी के समय का यह हो गया दीवाने मुश्तक राज। इससे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने एक विभाग स्थापित किया था जो हमने ऊपर आपको बताया है, दीवाने रियासत। दीवाने रियासत उस वो आर्थिक मामलों की देखरेख से संबंधित विभाग था। अब इसने बनाया है एक विभाग दीवाने मुश्तक राज। यह बकाया लगानों की वसूली के लिए बनाया गया विभाग है। अलाउद्दीन खिलजी ने मिल्क और बफ भूमि अनुदान को भी वापस ले लिया, जिससे खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। जो ये मुफ्त में भूमि दी जाती थी, मिल्क और बफ भूमि जो अनुदान के रूप में प्रदान की जाती थी, इनको वापस लेकर खालसा भूमि में मिला दिया। इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी के समय में खालसा भूमि का विस्तार देखने को मिला। दिल्ली के निकट कुतुब मीनार, दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया, जो 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया। यह हिंदू मुस्लिम शैलियों का समन्वय है अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा का निर्माण हिंदू मुस्लिम जो स्थापत्य शैली है उसके मिश्रण के रूप में देखा जा सकता है। हौज ए अलाई यानी हौज ए खास का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। हौज ए अलाई या हौज ए खास 5 जनवरी 1316 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके बाद जो खिलजी वंश का अगला सेना शासक होता है वो होता है मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320 के लिए। यह उत्तराधिकार के लिए जो संघर्ष हुआ है उसमें अलाउद्दीन का तीसरा पुत्र मुबारक खां विजयी होता है और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के नाम से दिल्ली का सुल्तान बनता है। यह बात इसके संदर्भ में कई बार पूछी गई है। स्वयं को खलीफा घोषित किया मुबारक शाह खिलजी ने और अल इमाम उल इमाम खिलाफत उल
लह जैसी उपाधियां ग्रहण करने वाला खिलजी वंश का शासक था, मुबारक शाह खिलजी। उखा मस्जिद जो राजस्थान की है, इसका निर्माण सुल्तान मुबारक शाह खिलजी के द्वारा स्वयं कराया गया है। इतनी बात आप याद रखेंगे। लास्ट शासक है, इसके बाद आ जाता है तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से 1325 तक जो शासन किए हैं वो है गयासुद्दीन तुगलक। अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक बना। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी। वो तुगलक ने ही खूतों और मुकदमों के पुराने अधिकारों को बहाल कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार सुधार और आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जो खूतों और मुकदमों के अधिकारों को वापस ले लिया था, गयासुद्दीन तुगलक ने आते ही खूतों और मुकदमों के पुराने अधिकारों को वापस दे दिया। गयासुद्दीन तुगलक ने एक नया विभाग स्थापित किया, दीवाने बिजारत। और इक्ता की तुगलक ने दीवाने बिजारत को आदेश दिया कि इक्ता की मालगुजारी में एक वर्ष में 1/10 या 1/11 से अधिक वृद्धि न की जाए। दीवाने बिजारत को गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो आदेश दिया गया है वो यह है कि मालगुजारी 1 वर्ष में 1/10 या 1/11 से अधिक वृद्धि नहीं की जाएगी। सिंचाई हेतु इसने नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन पहला। यह बात आप मोस्ट इम्पोर्टेंट रूप में याद रखेंगे कि गयासुद्दीन तुगलक सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला पहला शासक था। यद्यपि नहर निर्माण का विस्तृत जाल जो विकसित हुआ है वो फिरोज शाह तुगलक के काल में हुआ है। तो इस प्रकार से आप नहरों के संबंध में दो क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो कि पहला शासक नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन तुगलक है, लेकिन सबसे ज्यादा विकास फिरोज शाह तुगलक के समय में हुआ है। इसने अमीरों को पद देने में वंशानुगतता के साथ साथ योग्यता के आधार बनाया। अलाउद्दीन खिलजी के समय योग्यता के आधार पर दिए जा रहे थे। निजामुद्दीन औलिया जो दिल्ली में है इनकी दरगाह, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था, हुनूज दिल्ली दूरस्थ, हुजूर दिल्ली अभी दूर है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि गयासुद्दीन और औलिया के संबंध अच्छे नहीं थे। गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश का अगला शासक होता है। उलूग खां जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सुल्तान बनता है। चरित्र और कार्यों की दृष्टि से अन्य कोई शासक इतना विवादास्पद नहीं रहा जितना कि मोहम्मद बिन तुगलक। जितने भी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे उनमें मोहम्मद बिन तुगलक सबसे ज्यादा विद्वान शिक्षित शासक था और खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में ज्ञाता था। ये इसका मोहम्मद बिन तुगलक का यानी MBT का मानना था कि सुल्तान बनना ईश्वर की इच्छा है। उसने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, सुल्तान ईश्वर की छाया खुदवाया। यह बात आप याद रखना, सुल्तान जिल्ली अल्लाह। कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएं कि किसके सिक्कों पर एक तरफ कलमा और दूसरी तरफ लक्ष्मी की मूर्ति थी। मोहम्मद बिन तुगलक का विश्वास संपूर्ण प्रभुत्व के सिद्धांत में था। अलाउद्दीन खिलजी जहां डोमिनियन के में विश्वास करता था, वहीं MBT मोहम्मद बिन तुगलक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सुल्तान में विश्वास करते थे। अलाउद्दीन की भांति मोहम्मद तुगलक भी शासन के किसी भी व्यक्ति अथवा वर्ग के हस्तक्षेप को पसंद नहीं करता था। यह बात अलाउद्दीन से मिलती जुलती है। यह बात एक विभाग फिर से आया है, दीवाने अमीर कोही। MBT के द्वारा दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना की गई है। यह कृषि की उन्नति के लिए एक नया विभाग है। आप लोग अभी ऐसे ही सुनते रहे स्पेसिफिक, यानी किस शासक के द्वारा कौन सा विभाग स्थापित किया गया, बाद में हम सारे जो विभाग स्थापित हुए हैं उनकी किस शासक के द्वारा स्थापना की गई और यह किससे संबंधित है, ऐसी एक कंसा मतलब को उसमें लिख के हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसलिए आप अभी तो सुनते रहें केवल। MBT ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे, कांसे का सिक्का सांकेतिक यानी टोकन मनी किसके द्वारा चलाई गई थी, तो आप इसके MBT का नाम याद रखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाई गई थी। स्वर्ण सिक्कों को इब्न बतूता के द्वारा दिनार की संज्ञा दी गई है। मोरक्को का जो यात्री था इब्न बतूता, वो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही सितंबर 1333 में दिल्ली आया था। ऊपर हम अल बैरूनी की चर्चा कर चुके हैं, वो किस सुल्तान के समय में आया था, आपको यह याद रखना होगा। इब्न बतूता जो मोरक्को का था, यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया है। सुल्तान ने इसे दिल्ली का प्रमुख काजी नियुक्त किया। इब्न बतूता ने अपना जो यात्रा वृतांत लिखा है अरबी भाषा में, किताब उल रहला नामक ग्रंथ लिखा है, अरबी भाषा में लिखा है किताब उल रहला। दिल्ली के सुल्तानों में MBT पहला ऐसा सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों में मुख्यतः होली में भाग लेता था। हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेने वाला पहला शासक हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक।
बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक की पांच प्रमुख योजनाओं का वर्णन किया है। ये पांचों योजनाएं आप याद रखेंगे। पूछा जा सकता है कि बर्नी के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक की किन योजनाओं को वर्णन किया गया है, दी होंगी। पूछा जा सकता है कौन सी इसमें से नहीं थी, या पूछा जा सकता है कौन सी इनमें से है। दोआब में कर वृद्धि की योजना, देवगिरी को राजधानी बनाना, सांकेतिक मुद्रा जारी करना, खुरासान पर आक्रमण करना और कराचिल अभियान। ये पांच योजनाएं हैं जिन्हें बर्नी के द्वारा उल्लेखित किया गया है। देवगिरी को कुब्बतुल इस्लाम भी कहा गया है। कुब्बतुल इस्लाम एमबीटी के समय में किसे कहा गया था? तो देवगिरी को। मोहम्मद बिन तुगलक ने जैन विद्वान जिन प्रभु सूरी एवं राजशेखर का स्वागत किया है, यह बात आप यहाँ पर याद रखेंगे। जिन प्रभु सूरी और राजशेखर किस धर्म से संबंधित विद्वान है? तो ये जैन विद्वान है। इनका स्वागत एमबीटी के द्वारा किया गया है। एक स्टेटमेंट बदायूनी ने दिया है, बदायूनी ने एक स्टेटमेंट दिया है एमबीटी के संदर्भ में कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। एमबीटी की मृत्यु पर बदायूनी के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया है। इस मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक FST तुगलक वंश का शासक बनता है, जिसका शासन 1351 से 1388 ईस्वी तक रहता है। और यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। फिरोज शाह तुगलक ने मजहबी उत्साह में ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। यद्यपि जो शासन दिल्ली सल्तनत का था उसमें ब्राह्मणों पर, महिलाओं पर और गरीबों पर जजिया कर नहीं लगाया जाता था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने अपवाद स्वरूप देखा जाए तो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लागू कर दिया था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्वयं को खलीफा का नायब पुकारा और अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया। इसने एक दीवाने खैरात स्थापित किया था। यह क्या था? दीवाने खैरात, इसको आप याद रखेंगे। गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों, विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था यह दीवाने खैरात। फिरोज तुगलक ने दासों का बहुत शौकीन था, इसलिए उसने एक विभाग बनाया, दीवाने बंदगान, पृथक विभाग। सल्तनत काल में सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। जैसे ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है PWD, इसकी स्थापना की गई थी, उसी प्रकार से सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई है। फिरोज शाह तुगलक ने 300 नवीन नगरों का निर्माण करवाया, जिनमें फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद आदि प्रमुख हैं। यह बात हम आपको बता ही चुके थे। गयासुद्दीन तुगलक ने भारत में दिल्ली सल्तनत के अंदर पहला सुल्तान था जिसने नहरों के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था की, जबकि नहरों का सबसे बड़े जाल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के समय में हुआ। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने पांच बड़ी नहरों का निर्माण कराया था। फिरोज तुगलक ने हक के सर्व, यह आप याद रखेंगे, हक के सर्व नामक सिंचाई कर लगाया था। सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था, यह बात आप याद रखेंगे। हक के सर्व सिंचाई कर है, लेकिन सिंचाई कर लगाने वाले दिल्ली का पहला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक है। फिरोज तुगलक के द्वारा ही अशोक के जो दो स्तंभ है, मेरठ और टोपरा के, इसको दिल्ली लाया गया था। टोपरा आप याद रखेंगे, टोपरा कहां पर है? अंबाला जिले में। फिरोज शाह तुगलक ने राज्य के खर्च पर ही, धार्मिक उन्मादी व्यक्ति था यह एक, तो राज्य के खर्च पर ही हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक ही था। फिरोज तुगलक ने ससगनी, छह जीतल का था यह, ससगनी नामक सिक्का चलाया था। फिरोज ने अद्दा एवं बिख नामक तावा एवं चांदी निर्मित सिक्का चलाया। अद्दा जो था वो चांदी का, और विख अद्दा तावा का, विख चांदी का, और ससगनी सिक्का भी चलाया। 1388 में इनकी मृत्यु हो जाती। सल्तनत कालीन में कुछ साहित्य रचे गए जिनके संबंध में आपसे कई बार पूछा गया है, आप इनको याद रखेंगे। जैसे अलबरूनी महमूद गजनबी के समय में आया और तारीख हिंद की रचना की। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया और इसने रेहला की रचना की। मिन्हाजुस्सिराज नासिरुद्दीन महमूद के समय का है, तबकाते नासरी की रचना की। जियाउद्दीन बरनी तारीख फिरोजशाही की रचना की है। ये तारीख फिरोजशाही में अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली का विस्तृत विवरण देखने को मिलता है। हसन निजामी ताजुल मासिर, यह पुस्तक है इनकी। याहिया बिन अहमद मुबारक खान सैयद वंश के हैं, इनके समय में ये आए थे, याहिया बिन अहमद। तारीख मुबारक शाही की रचना की है। फिरोज शाह तुगलक, इनकी रचना फतुहात फिरोज शाही है। अमीर खुसरो, इसके द्वारा मिफ्ता उल फतू, खजाइन उल फतू, खजाने फुतू को तारीख अलाई, आसिका नू सिपहर, तुगलकनामा और तारीख दिल्ली जैसी रचनाओं को अमीर खुसरो के द्वारा रचा गया है।
इस प्रकार से हम देखते हैं हमने आज का सेशन जो था उसको कवर कर लिया है। अब आप लोग जो हमारा ये सेशन सुन रहे हैं, आप लोगों को कैसा लग रहा है ये आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। पसंद आ रहा है तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आपने इतना जो मैं करा रहा हूँ मध्यकालीन भारत का और प्राचीन भारत का और जो आधुनिक भारत जो मैंने करा दिया है, पॉलिटिकल का जो पॉलिटिकल साइंस का जो सेक्शन हम कवर कर चुके हैं, इतना यदि आपने कर लिया तो मैं बहुत एक गारंटी तो नहीं बोल रहा हूँ लेकिन संभावना आप ये मान के चलिए कि 80% क्वेश्चन हमको यहाँ से पेपर में देखने को मिल जाएंगे। आप ध्यानपूर्वक बस इसको करें और याद कर लें इसको। ऐसा नहीं कि केवल सुन लिया एक बार उसमें हो गया, एक बार सुनने से अगर कोई चीज़ होती तो सब लोग प्री क्वालिफाई कर गए होते। तो इसलिए आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और इसको बार बार रिवाइज करना है। आप लोग ध्यानपूर्वक हमारे सेशन को सुन रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।